कैमूर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राहत की बड़ी खबर आई है। जिले के 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 16 मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, जिन्हें जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके घर वापस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सभी का फर्स्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद सभी का भभुआ में क्वारंटाइन किया गया था और सभी का इलाज भभुआ में किया जा रहा था। जिला प्रशासन द्वारा भभुआ में क्वारंटाइन 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का दूसरा सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें 17 लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया था। पुनः स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन द्वारा सभी 17 मरीजों का तीसरा सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसका रिपोर्ट मंगलवार के देर शाम, जिसमें 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का रिपोर्ट नेगेटिव आया, जिसके बाद सदर अस्पताल भभुआ के मैनेजर और स्वास्थ्य विभाग के DPS की निगरानी में सभी 16 मरीजों का एक्सरे किया गया, जिसमें सभी की स्थिति सामान्य आई, जिसके बाद सभी कोरोना मरीजों को उनके घर रवाना किया गया। इससे पहले सदर अस्पतालों में सभी को फूल माला पहनाया गया और तालियों से बजाकर उनका हौसला बढ़ाया गया, जिसमें लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों के बीच एक साथ 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज का रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बुधवार की सुबह तक जिले में कोरोना के 31 एक्टिव केस में 16 ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब जिले में कुल 15 लोगों को कोरोना के पीड़ित, जिनका इलाज किया जा रहा है। अभिषेक राज की रिपोर्ट, कैमूर से CNB न्यूज। इन लोगों का जब कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, तो इन लोगों का हम लोगों ने 3 बार सैंपलिंग कराया और तीनों बार इनके अंतराल में निगेटिव पाया गया। आज 16 लोगों को साथ सभी को हम लोग अपने क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन के लिए भेज रहे हैं। सभी लोगों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया है कि आप स्वस्थ हैं और बेहतर तरीके से अपने घर पर भी रहें और लोगों को इसके विषय में जागरूक भी करें। अभी यहाँ क्या किया गया सर इन लोगों के साथ? सभी लोगों का यहाँ पर भी एक्सरे किया गया, उनका एक डिस्चार्ज स्लिप दिया गया, फूल माला सामान्य किया गया। हाँ, फूल माला से सभी लोग, जितने भी लोग हमारे यहाँ से जा रहे हैं, सबको हम लोग सम्मानित किए। ताली बजाने का क्या उद्देश्य था? ताली का उनका हर्षवर्धन बढ़ाना, उनका उत्साह बढ़ाना था कि उन्होंने हमारा सहयोग किया और रहकर बेहतर तरीके से, और हम लोगों ने वो स्वस्थ हुए इस बात की, ये ताली बजाई। 16 पॉजिटिव मरीज है, उसको डिस्चार्ज किए हैं, जिसका 3 बार DPM साहब बता ही दिए हैं, 3 बार उनका रिपोर्ट जो है नेगेटिव आया है। इसीलिए हमने 16 को घर पे भेजने से पहले यहाँ पे चेस्ट एक्सरे करवाया, जो भी हमारा प्रोटोकॉल में होता है। चेस्ट एक्सरे कराने के बाद सबका नॉर्मल है, इसके बाद हम लोग ने घर पे फूल से सम्मानित करके और तालियों के साथ उनको घर भेजा। जिले में कितने लोग पॉजिटिव हैं अभी? क्या अभी 31 पॉजिटिव है, 16 चले गए, 15 अभी भी एक्टिव है। हाँ। इसमें से 9 अभी हम गया मेडिकल कॉलेज में, अभी वहाँ पे हैं, बाकी हमारे पास। अभी कैसे इनको विदाई आप लोग दिए हैं? उनको माला भी दिए हैं, फूल माला दिया है, उसको दिशा निर्देश वगैरह की हमें पर्ची भी दिया है, जो घर जाके क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताया गया है। उनसे उनके बॉन्डिंग भी हमने शपथ पत्र भी लिया है कि 14 दिन घर में भी रह के वो किसी से मिले नहीं, होम क्वारंटाइन अभी भी 14 डेज हो रहे हैं। क्या नाम है? ऋषिकेश है, अस्पताल सदर अस्पताल।